मेरा गुड़िया सिंह। आप कहाँ से आए? मैं बलिया के रहने वाली हूँ और मैं यहाँ पे खेती बाड़ी का काम करती थी, मैं और मेरे पति। यहाँ से ये जिला फरीदाबाद है, गांव मंझावली से 2 किलोमीटर भीतर भाटी फार्म हाउस, सबोध भाटी फार्म हाउस। आपने बहुत सारे पोस्टर लगा रखे हैं, इसमें किसी व्यक्ति पर गोली का निशान है, एक पड़ी हुई है, शायद आपकी फोटो है, ये लड़का लड़की पड़ी हुई है, कौन लोग? मेरे परिवार है जी, मेरे पूरे परिवार है। अभी आपके साथ कोई है? हाँ, बेटा कौन सा? बेटा मीन की लड़की। और आप बेटी हैं? एक ये बेटियां हैं। ठीक है, बताइए तरीके से, बताइए घटना कैसे। अब घटना ये हुई थी कि हमारे पीछे लगा हुआ था, इससे पहले से कह रहा था कि अपने दो बेटियों की शादी मेरे कहने से करो, तो हमारे पति और हम दोनों ऑब्जेक्शन उठा रहे थे कि हम क्यों आपके कहने से करें, हम अपने गांव, हम जात हमारा राजपूत है और हम जाके अपने घर ही करेंगे, यहां कुछ नहीं करेंगे, हम खा कमा रहे हैं वो बेशक अलग बात है। तो इस तरीके से ये पर नाराज रहता था, कभी कुछ करवाता था, कभी चलान कटवाना, कभी नौकरी पर से हटवा देना, कभी कुछ और खेत चरवा देना। 29 तारीख को खेत चरवाया और इसके बाद की वीडियो हमने मीडिया पर दे दिया कि हमारा खेत हरसल चरवा देता है। ये फसल मूली का खेत था, घिया का था, फूल का खेत था, इसमें स्पष्ट रूप से वो चरा रहा है, दिखाई भी दे रहा है। और उसके बाद ये 30 तारीख को साजिश किया और धमकी दे के गया इरा केस में करमवीर की, और ये कल्लू मोहित इनकी 4 पत्नियां हैं। 112 के सामने धमकी दे के गया, जिसकी हमने SHO को दिया कि सर हमारे जान को खतरा है, हमें बचाया जाए। इसके बाद SHO ने कोई संज्ञान नहीं लिया और वैसे बता रहा था कि हमारा दोस्त है, कोई नहीं कुछ नहीं होगा तुम लोगों को। उसके बाद इन्होंने हम पे हमला कर दिया, लोहे की रॉड सरिया से वार किया, हमारे हाथ पांव सारे तोड़ दिए, हमारी इसलिए वीडियो भी बनवाई। यहाँ पर तो ये हमें मारने के लिए आए हैं, आप कह रहे हैं कि हम कोई नहीं मारने के लिए, कोई भी तेरे नजदीक नहीं आएगा, मैं यहाँ दूर बैठा हूँ आपसे, कोई नहीं आएगा। आप की बात, ये राकेश है, इनके घर नहीं आएगा, ये आपसे बहुत दूर है और दूरी रहेंगे, वापसी गाँव जा रहे हैं, कोई नहीं रहेगा। अब ये सब मैं कोई बनावटी बात नहीं कह रही हूँ, तो अब ये मतलब इनके लापरवाही से हमारे पति का हत्या कर दिया। सुबेरे सुबेरे 6 बजे आया बलकटी, पता नहीं क्या चीज मार के गया, पांव कट के अलग हो गई, खून बहने लगा, हम लोग सब चिल्लाने लगे, हम सब का मोबाइल छीन लिया, 2-3 मोबाइल तो तोड़ दिया, उनके जेब में छोटी मोबाइल थी उसको भी तोड़ दिया। तोड़ने के बाद फिर से ये आया दोबारा, एक लड़की थी 14 साल की, वो एक मोबाइल लेके भग गई थी, उसको भी बहुत ढूंढा, लेकिन वो फिर 9 बजे फिर सबको बुलाया, इतने हम लोग निकल ही नहीं पाए घर से, ये तो घेरा हुआ था, तो उसके बाद निकल नहीं पाए, तो फिर आकर के 9 बजे वो जितना आकी बाकी था सब पूरा कर दिया, सबको मार के बेहोश कर दिया, सबकी हाथ पांव दोनों हाथ दोनों पांव तोड़ के और मरने के काबिल करके, और जब जाके भगा वहां से। और कह रहे हैं हम तो कैमरे में बैठे हैं, तो ये फुटेज निकाली जाए 3-4 दिन पहले से कि ये कैमरे में 3 दिन पहले से बैठता था, पेट्रोल पंप है वहां कैमरे में बैठा है, एक रमेश नाम का इसका भाई है, एक धनेश है, एक आरोप लगा रही वो आरोप उनका, आपका FIR थाने में लिखा नहीं गया क्या भाई? लिखा गया है लेकिन तो करवाई नहीं हुई। दो ही पकड़े गए हैं, कल्लू मोहित जो भैंस चराया था, तो वही पकड़े गया है, और मेन आरोपी है करमवीर वेरा केस, रमेश धनेश ये सब इनकी पत्नियां हैं 4, सबसे इनसे भी ज्यादा साजिश करता है, एक नंबर की गुंडी है वो। जो जमीन आप लोग जोत बो रहे थे, खेती बाड़ी कर रहे थे, वो अपनी थी या मतलब लीज किराए पे? किराए पे, किराए पे जी। इन लोगों की थी वो जमीन? ना, दूर दूर तक कुछ इन लोगों की जमीन नहीं थी, जिस पार्टी से आपने जमीन ली थी उनसे कहीं इनकी रंजिश तो नहीं थी? ना, उनसे कोई रंजिश नहीं थी, रंजिश पर ऊपर इसको हमसे था, क्योंकि हम लोग इसके दबाव में नहीं रहते थे। उसका कहने का मतलब ये दो बेटियों की शादी जो है हमारे हाँ, से कर दिया जी, जी, जी। आपने मना किया, उसके बाद में वो आपके आपके साथ दुर्व्यवहार करने लग गया, खेत में आपके चरवाने लग गया जी, जी। और बताओ बेटा आप हाँ। ये उसी दिन से हमारे खिलाफ हो गए जी, और हम पे दुश्मनी, हमारे पापा को धमकी दी थी कि तूने ये अच्छा नहीं किया, अब से अपने बुरे दिन गिनना शुरू कर दे, और किया भी इसने ऐसे ही, खेतों में कभी भैंस चरवा देता था, कभी किसी के साथ में हमारी लड़ाई झगड़े करवा देता था, कभी नाम लिखवा देता था, तो कभी हमारे जो एक फार्म हाउस है उधर शराबियों को बैठा देता था कि जाओ दारू पियो, उधर गुंडागर्दी करो, उस पे हमारे पापा जी बोलते थे, हमने SHO को कई बार एप्लीकेशन देते थे तो SHO बोल देता था ठीक है कोई बात नहीं, हम कार्रवाई कर देंगे, आप घर जाओ, उस पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। और ये लोग स्पष्ट रूप से खुल के बोलते थे कि हमारे नाम की तुम लोग FIR दे, जहाँ तक जो कर सकते हो उखाड़ लो, जो उखाड़ना है कर लो, हम
हमसे बैर लेके तुम अपना खोओगे, कुछ पाओगे नहीं, मतलब विभिन्न मतलब बहुत विभिन्न प्रकार की धमकियां देते थे। हमने 3 साल से सर, हमने 3 साल से सीपी कमिश्नर डी डीएसपी सबके नेता मंत्री सबके पास में चले गए, इनका ये हमारे खिलाफ से कर 3 साल से पीछे लगे हुए हैं। ये जो है मामला कब का, ये मामला है जी 29 सितंबर को इन्होंने हमारे खेत में एक इनका राकेश शर्मा का भतीजा है कल्लू नाम का, उसने भैंस चरा दिए, तो उन भैंसों को निकालने के लिए हमारे पापा बोल रहे थे कि फसल क्यों चरवा रहे हो, भैंसों को निकाल दो, तो हमारे पापा को बहुत अश्लील अश्लील गालियां देने लगा मतलब। तो फिर मैं मौके पे वीडियो बना लिया उनके, तो उसने वीडियो में गाली वाली तो नहीं दी, और जो मोटरसाइकिल पे सवार होके, आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, मोटरसाइकिल पे सवार होके वो अपने भैंसों को निकाल रहा था, और फिर उसके बाद में भैंसों को निकालने के बाद में, आप घटना बताओ हमें, हाँ, निकालने के बाद में उसने अपने घर वालों से फोन करके एक गाड़ी लेडीज और 5-7 लड़के बुला लिए लाठी डंडे लेके। उस दिन हमने 112 पे बीटी की थी, 112 की पुलिस मौके पे मौजूद थी, मौके पे पुलिस के सामने भी वो डंडे लेके मारने आ रहे थे, बोल रहे थे 112 और SHO हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तुम हमको जानते नहीं हो और ये तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, हम 1-2 दिन में तुम्हारा ऐसा हाल कर देंगे ना कि तुम उठ के पानी भी पीने लायक नहीं रहोगे, ऐसी धमकियां देके गए हो जी। तो हमने एप्लीकेशन दी थी SHO साहब को, और कॉल पे बोला भी कि हमारे साथ में जानलेवा हमला हो सकता है, तो SHO इन्वॉल्व था जिनसे, SHO ने कई बार बोला भी है आप किसी के खिलाफ भी दरख्वास्त दो पर मेरे पास में राकेश के नाम की दरख्वास्त लेके मत आओ, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और सभ्य आदमी है।